हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा हिंदी ज्ञान का टॉपिक है वनों का आर्थिक महत्व। वन एक और प्राकृतिक सुंदरता में अभिवृद्धि कर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, जलवायु को सम बनाते हैं तथा तापमान को अधिक तथा कम होने से रोकते हैं तथा आर्द्रता में वृद्धि करके वर्षा में सहायक होते हैं। वहीं दूसरी ओर वनों से अनेक प्रकार की उपजें प्राप्त होती हैं। वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य के वनों से लगभग 45,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं तथा राज्य को लगभग 10 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। राज्य के वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाली विविध उपजों एवं उनके महत्व से लगाया जा सकता है। राजस्थान के वनों से निम्नांकित मुख्य उपजें प्राप्त होती हैं। पहला है इमारती लकड़ी। राज्य में सांगवान, धोकड़ा, सालर, शीशम, बबूल आदि की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने एवं अन्य उपयोग में किया जाता है। राज्य के वनों के लगभग 12% सागवान तथा 6% सालर के वृक्ष हैं, जिनसे लगभग 28 लाख फुट लकड़ी प्रतिवर्ष इमारती प्रयोग में ली जाती है। शीशम गंगानगर के क्षेत्र में तथा सागवान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में प्रधानता से मिलता है। इसके अतिरिक्त स्थायी रूप से अन्य वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग सीमित रूप से इमारती काम में किया जाता है। वास्तव में वनों का यह उपयोग जहां आय का साधन है, वहीं इसके विनाश का कारण भी है। दूसरा महत्व है ईंधन हेतु लकड़ी और कोयला। वनों का उपयोग स्थानीय जनता ईंधन के रूप में सदैव से करती रही है और आज भी जलाने की लकड़ी वनों से प्राप्त होती है। इसका प्रमुख कारण मध्यम, गरीब एवं आदिवासी परिवारों के पास ईंधन का वैकल्पिक स्रोत नहीं होना है। जलाने की लकड़ी में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा का किया जाता है, इससे कोयला भी बनाया जाता है। कैर, कीकर, बबूल, फोना, खेजड़ा आदि वृक्षों के अतिरिक्त यहाँ जिस प्रकार की लकड़ी उपयुक्त है, उनका उपयोग स्थानीय लोग ईंधन के लिए करते हैं। इनमें न केवल सूखी लकड़ी अपितु अनेक बार हरे वृक्षों को भी काट दिया जाता है, जो वनों के लिए हानिकारक है। तीसरा प्रयोग है तेंदुपत्ता। इसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में बहुतायत से पाए जाते हैं। राज्य सरकार इन पत्तियों का ठेका देती है। बीड़ी बनाने के प्रमुख केंद्र जयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, झालावाड़, पाली आदि हैं। इससे पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होता है। बांस, इसका प्रयोग टोकरी, चारवाई, झोपड़ी, कागज और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और भरतपुर जिलों में बांस उपलब्ध होता है। गोंद, कत्था एवं लाख। वनों से प्राप्त उपजों में गोंद, कत्था, लाख प्रमुख हैं। गोंद अनेक वृक्षों जैसे खेजड़ा, बबूल, ढाक, नीम, पीपल आदि से प्राप्त किया जाता है। हाल ही में जोधपुर के मरु अनुसंधान केंद्र ने ऐसे वृक्षों की पहचान की है जिससे अधिक मात्रा में गोंद प्राप्त किया जा सकता है। राज्य से गोंद का निर्यात किया जाता है। कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिलों में किया जाता है। राजस्थान प्रतिवर्ष लगभग 350 टन कत्थे का उत्पादन करता है। लाख का उत्पादन राज्य में अधिक नहीं है। इसका छठा महत्व है वनों का घास, घस और महुआ के पेड़। राज्य में अनेक प्रकार की घास प्राकृतिक रूप से उगती है, जिनका उपयोग पशु चारे के अतिरिक्त रस्सी, झाड़ू आदि बनाने में किया जाता है। खस भी एक प्रकार की घास है जो सुगंधित होती है और इसका तेल निकाला जाता है तथा टाटियां बनाई जाती हैं जो कमरों को ठंडा रखने के काम आती हैं। यह भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में विशेषकर उत्पादित होती है। महुआ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में प्रचुरता से मिलती है। इस वृक्ष से प्राप्त फल का उपयोग तेल और शराब बनाने में किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी भील इसका उपयोग अधिक करते हैं। सातवां इसका लाभ है
औषधीय पौधे। वनों में अनेक प्रकार की औषधीय पौधे हैं जिनका उचित उपयोग आवश्यक है। वर्तमान में इनका सीमित उपयोग हो रहा है। बोटेनिक सर्वे ऑफ इंडिया के जोधपुर केंद्र ने इस प्रकार के 200 से अधिक पौधों का पताया लगाया है जिनका औषधीय उपयोग संभव है। वनों से प्राप्त अन्य पदार्थों में आंवला, कैर, शहद, बेर, तंदू और अनेक प्रकार के कंदमूल। वास्तव में वनों का उपयोग बहुमुखी है, आवश्यकता है उनके समुचित एवं नियोजित उपयोग की। यदि वनों का वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया जाए तो वनों का विनाश भी नहीं होगा और वे मानव को विविध पदार्थ देते रहेंगे। वनों का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटन उद्योग देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य में विकसित अभयारण्य इसके उदाहरण हैं। वास्तव में वन प्राकृतिक संसाधनों में एक मूल्यवान संसाधन है जिनका पर्याप्त आर्थिक महत्व है।